ग्रामीण क्षेत्रों के साथ तहसील स्तर पर भी खोली जाएंगी दुकानें। मजदूरों को भेजने हेतु बसों की गई व्यवस्था, पैदल ना चले, आवश्यकता पड़ने पर प्राइवेट बसों से भी भेजे जाएंगे मजदूर। शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों की दक्षता के अनुसार सूची बनाए। सभी पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड आवश्यक रूप से बने। आवश्यक वस्तुओं का प्रत्येक दिन स्टॉक की समीक्षा की जाए। सभी अधिकारी प्रतिदिन होमवर्क करें। मथुरा 15 मई जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ तहसील स्तरों पर भी दुकानें निश्चित समय तक तय करके खोली जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि मिठाई, हेयर सैलून, टेंट, बैंड बाजा, चाट, भोजनालय, कंटीमाला, मिश्री आदि कुछ दुकानों को छोड़कर शेष दुकानों को खोलने की अनुमति दें। इसके लिए उन्होंने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक करके यह निश्चित किया जाए कि दुकानदार स्वयं मास्क का प्रयोग करें, साथ ही ग्राहकों को भी मास्क का प्रयोग कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण ध्यान रखें। श्री मिश्र ने निर्देश दिए कि कोटवन बॉर्डर से मजदूरों को नियमानुसार उनके गृह जनपद में भेजे जा रहे और उनको निरंतर भेजने की व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि सरकारी वाहनों के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर प्राइवेट बसों को भी मजदूरों को ले जाने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी मजदूरों से कहा कि कोई मजदूर पैदल ना चले। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में एक स्थान चिन्हित कर लें, जिस स्थान पर पैदल चलने वाले मजदूरों को रोका जाए, उसी स्थान से उन्हें चल के उनके गृह जनपद भेजने की व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारी निर्देश दिए कि शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों की उनकी दक्षता के अनुसार सूची बनाई जाए, जिससे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्य उपलब्ध कराए जा सके। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पात्र श्रमिक का आवश्यक रूप से राशन कार्ड बनाया जाए और उन्हें सरकार की मंशा के अनुसार तुरंत राशन उपलब्ध कराया जाए। श्री मिश्र ने जिला अभिहित अधिकारी एवं ब्रेग निरीक्षक को निर्देश दिए कि प्रतिदिन रोजमर्रा की वस्तुओं का स्टॉक के संबंध में जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी वस्तु की कमी न रहे। उन्होंने फल, सब्जी, खाद्यान्न आदि वस्तुओं की हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी उपलब्धता आवश्यक रूप से बने रहने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि दैवीय आपदा की इस घड़ी में सभी अधिकारी 24 घंटे सतर्क रहें, साथ ही सौंपे गए अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन करें। बैठक में निर्देशक कौशल विकास मिशन कुणाल सिल्कू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर, मुख्य विकास अधिकारी नितिन गौड़, अपर जिलाधिकारी विद एवं राजस्व ब्रजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सतीश कुमार त्रिपाठी, नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी महावन जग प्रवेश, सदर क्रांति शेखर सिंह, गोवर्धन राहुल यादव, मांट कृष्णानंद तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। जनपद में पिछले दिनों बैठक करके जो हम लोगों की यहाँ की कमेटी है, आपदा कमेटी, उसमें बैठक करके ये तय हुआ था कि ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी दुकानें खुलेंगी, उसका अनुपालन हो रहा है। किंतु देखा ये गया कि टाउन एरिया में अभी भी कुछ टाउन एरिया में दुकानों को खोलने में SDM के स्तर पे बैठक नहीं हो पाई थी। उनको निर्देशित कर दिया गया है व्यापार मंडल के साथ बैठक करके वहाँ की दुकानों को एक निश्चित समय के लिए ये लोग खोल रहे हैं, उनकी सुविधा के अनुसार समय तय करके पुलिस क्षेत्राधिकारी और उप जिलाधिकारी संयुक्त रूप से इस पर चर्चा कर रहे हैं। SDM गोवर्धन, SDM महावन, SDM राय, SDM छाता, इन सभी को निर्देशित किया गया है। दुकानें जो खुलेंगी वो अधिकांश दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी दुकानें होंगी जिनको, जैसे बार्बर शॉप है या इस तरह के खाने पीने की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, उनको अभी भी नहीं खोला जाएगा। उनको आगे के चरण में जिस तरह से निर्देश प्राप्त होंगे वैसी कार्रवाई होगी। शेष दुकानें टाउन एरिया में खोली जा रही हैं। दूसरा बिंदु एक यहाँ पे देखने में जा रहा है कि हमारे जनपद में कुछ पैदल प्रवासी मजदूर अभी जा रहे हैं, उसके लिए शासन के ये निर्देश हैं कि उनको बसों से हम लोग भेजेंगे। कोटवन बॉर्डर पे कोसी मंडी में शेल्टर होम बना है, वहाँ पे बसों को रखा गया है परिवहन निगम की, संबंधित SDM परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनको सूची बना करके संबंधित जनपदों को ले जाएंगे, वहाँ के जिलाधिकारियों को सूची भेजी जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग शासन के भी निर्देश मिले हैं कि कुछ प्राइवेट बसों का भी अधिग्रहण कर सकते हैं। ARTO संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी पूरी तैयारी कर लें।
इस पूरे काम को हम लोग सब लोग मिलकर के करेंगे। जो हमारे मजदूर आएंगे उनको हम लोग खाना पानी भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, और उनके गंतव्य तक हम लोग भेजेंगे। पैदल कोई न चले, अगर कहीं कोई पैदल चलता हुआ मिलता है तो उसको रोक करके शेल्टर होम में रख करके आगे की फिर उसकी हम यात्रा कराएंगे।